होशंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुग्ध वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा सरकार सेवा सप्ताह मना रही है, जिसके तहत होशंगाबाद में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में पोषण आहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक सीतारचरण शर्मा सहित प्रशासनिक अमला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित रहीं। शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुपोषण से संबंधित किताब का विमोचन भी किया गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर ऐसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। सरकार भी मना रही, संगठन भी मना रहा, तो आप पोषण महोत्सव के माध्यम से आज मेरा यहाँ आना हुआ। ऐसे मध्य प्रदेश के सभी स्टेटों में हर जितने मिनिस्टर हैं उसके अलावा भी सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या बाकी लोग गए हैं। तो वास्तव में पोषण महोत्सव के माध्यम से जो कुपोषित बच्चे हैं, अभी यहाँ पे अभी 450 करीब 475 ऐसा कुछ अति कुपोषित बच्चे हैं, उनका प्लान किया है, उनकी लिस्टिंग किया है। उन सभी के लिए दूध की व्यवस्था, मीठे दूध की व्यवस्था भी की है। अभी शिवराज सिंह चौहान साहब का मुख्यमंत्री जी का भाषण था, तो सरकार तो ये सब कर ही रही है, उन्होंने कहा समाज का भी कंट्रीब्यूशन हो, तो इसलिए पोषण आहार मिले, इसलिए गांव की चौपाल पर पोषण मटका, किसी के दादाजी का साथ दे तो उनको कुछ खिलाए, बाकी लोग का, ऐसे कई प्रकार के माध्यम से पोषण को समाप्त करेंगे। झुंझुनू में 8 मार्च 2018 को देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में कुपोषित माँ, कुपोषित बच्चों को ये जो राहत का काम हो सकता वो करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।